हेलो गाइस, वेलकम बैक माय न्यू व्लॉग। हम लोग यहाँ से निकल रहे थे, अभी मैं अपने घर पे हूँ और हम विद फैमिली यहाँ से जा रहे हैं। हमारा बैग पैक हो चुका है और यहाँ से अभी हम निकलेंगे मुरादाबाद, यूपी, यूपी मुरादाबाद, मुरादाबाद से हम लोग आगरा जाएंगे, आगरा के बाद हम लोग अजमेर के लिए निकलेंगे, अजमेर के बाद हम लोग जयपुर जयपुर रुक के फिर हम सारा एक्सप्लोर करके हम लोग वापस अपने घर आएंगे। 3 से 4 दिन लगेगा हमें, और ये ब्लॉग हमारा काफ़ी लंबा रहने वाला है, तो बने रहिए हमारे चैनल। अभी हम लोग निकल रहे हैं घर से अपने, और अभी हम माँ की गाड़ी में बैठ चुके हैं। ये हमारा बेटा पीछे बैठा है, सुभान राजा। सुभान बेटा, आप आज साफ नहीं आ रहे हैं, थोड़ा सा इधर को आइए। और ये हमारी बेगम है, तो हम अभी निकल रहे हैं फिलहाल यहाँ से मुरादाबाद। बाकी इसके बाद आगे हमारा कहाँ का प्लान बनता है अभी हमने डिसाइड नहीं किया है, बाई रोड जाते हैं या बाई ट्रेन जाते हैं, तो उसके लिए वहीं जाके हम देखते हैं। बाकी हम बने रहेंगे अपने चैनल पे। हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको बताया था हम लोग मुरादाबाद पहुँच चुके हैं। यहाँ पे अभी एक शादी अटेंड करनी थी, और एक शादी अटेंड करने के बाद फिर हम अपने घर जाएंगे, घर पे जाएंगे। घर हमारा मुरादाबाद में है, घर जाने के बाद उसके बाद हम हमारा रात में ही निकलने का प्रोग्राम है, रात में भी ऑन द वे आगरा के लिए निकल। बाकी हम आपको आगे जैसे भी हमारा ब्लॉग चलता रहेगा और आप बने रहिए ब्लॉग पर, हमारे सारी अपडेट आपको मिलती रहेगी। तो गाइस, जैसे कि हम अभी यहाँ पहुँच चुके हैं, ये फार्म जो है और मैरिज पार्टी थी, तो अभी हमने मैरिज पार्टी अटेंड करी है। और तो अभी हम आगे निकलेंगे, अभी घर पहुंचेंगे अपने मुरादाबाद में, फिर उसके बाद हम अभी कहाँ हमें एक्सप्लोर करना है उसका हम अभी घर जाके डिसाइड करते हैं। कैसा लगा यहाँ का माहौल? बहुत बढ़िया लगा, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। चलो मुरादाबाद आए हैं, और ये कल को जा रहे हैं शायद घूमने का, घूमने अभी रात, अभी रात, अभी रात में नहीं, रात को जा रहे हो, रात को नहीं। चलो भाई, हम लोग खाना खा चुके हैं और हम अभी यहाँ आए हैं, दुकान का स्टॉल लगाया है, हम लोग पान खाएंगे। पान का स्टॉल है ना, पान का स्टॉल है, फाइनली हम खाना खा चुके और शादी हॉल है हरी रामीन रोड, यहाँ से हम घर के लिए निकलेंगे। तब हम अभी घर जाके पान खा लीजिए, पान। हेलो गाइस, तो फाइनली अभी हम अपने घर पहुँच चुके हैं मुरादाबाद। बाकी हम अभी डिसाइड करते हैं हम किस समय निकलना है हमें, तो अभी हम डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, बस अभी हम जो हमारे साथ में कुछ लोग जा रहे हैं तो अब हम उनसे डिस्कस करके फिर डिसाइड करते हैं किस तरह से हमें जाना है। और अभी हम 1 से 2 घंटे के बीच में यहाँ से जर्नी स्टार्ट करेंगे आगे के लिए, आपको तो बने रहिए। कि कुछ लोग हमारे, हमारा बेटा है जो कि वहाँ शादी में है जहाँ पे हम थे रिसेप्शन में, तो वो भी अभी नहीं आया है, वो अपने मामू लोगों के साथ में है। और बीवी हमारी जा रही है, तो हम निकल गए हैं
आगरा के लिए। तो गाइस फाइनली हम पहुंच चुके थे, सुबह रात बहुत हो गई थी और सुबह अर्ली मॉर्निंग पहुंचे हैं। बहुत अच्छा सफ़र रहा हमारा और जो है हम लोग अभी यहाँ से टाइम हो गया है 1:30 बज रहा है और जो है 4-5 बजे के करीब हम यहाँ से नहा धो के निकलेंगे और फिर विजिट करते हैं ताजमहल में। तो गाइस हम लोग आ चुके हैं ताज के पास और हम आपको दिखाएंगे, यह है पार्क ताज चौपाटी, हम आपको ले चलते हैं। यह ताज सिटी, आई लव आगरा। साले साहब हमारे उनकी वाइफ है। वीडियो हमारी इस गाड़ी हमने पार्किंग में खड़ी कर दी है, अभी यहाँ पे आगे एंट्री नहीं है और हम यहाँ अभी मिनी मेट्रो में बैठे हैं। ताज के लिए और ये दिखाते हैं आपको, हमें इस साइड जाना है और हम ताज के अंदर एंट्री करने के बाद उनका दृश्य भी दिखाएंगे आपको। तो गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं ताजमहल के अंदर, एंट्री कर ली है, बहुत तगड़ी सिक्योरिटी थी भाई, अंदर कुछ लाना अलाउड नहीं है। ये ताजमहल। तो हेलो गाइस, हम पूरा एक्सप्लोर कर चुके हैं और अब यहाँ से निकल रहे हैं। 3 बजे निकल गए थे हम। बहुत बढ़िया मसाला, बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छी जगह है, साफ सुथरा है, ऑनिड एंड क्लीन पूरा एरिया। पीछे ताजमहल है तो हम लोग अब निकल रहे हैं यहाँ से, नेक्स्ट जो जिस जगह एक्सप्लोर करेंगे फिर हम आपसे ब्लॉग में मिलते हैं, अपने बने रहे हैं हमारे साथ। तो गाइस हम अपनी कार में पहुँच चुके हैं अभी और अभी चाय पी रहे हैं और पार्किंग की गाड़ी खड़ी है, पार्किंग से अब बाहर निकलेंगे, पार्किंग से बाहर निकलने के बाद। तो गाइस बहुत अच्छा लगा हमें यहाँ ताजमहल घूम के, आगरा बहुत अच्छी सिटी है और हमने काफ़ी मज़े किए, काफ़ी फ़न किया और फैमिली भी साथ में, हमारे जो मेरी फैमिली है मेरे साथ में है तो उन्हें भी बहुत अच्छा लगा, वो लोग ज़्यादा कैमरे के सामने आते नहीं हैं। तो मेरा ये ब्लॉग था काफ़ी लंबा है तो आप जो है मैं अपने इस ब्लॉग को यहीं एंड कर रहा हूँ और नेक्स्ट ब्लॉग में हम आपसे मिलते हैं।